जी हाँ, भारत के बाद अब वियतनाम भी अस्त्रा मार्क वन को अपने सू 30s में इंटीग्रेट कर सकता है। अस्त्रा मार्क वन एक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है जिसे भारत अपने सुखोई के 2 स्क्वाड्रन्स में इंटीग्रेट करेगा। इससे पहले भारत R-77 मिसाइल का प्रयोग करता था अपने सुखोईज में। यही सेम केस आपको देखने को मिलेगा वियतनाम के केस में भी। हालांकि वियतनाम Su-30 MKI की जगह Su-30 MK2 का इस्तेमाल करता है जिसमें अस्त्रा को इंटीग्रेट करना आसान नहीं होगा। बात करें अस्त्रा की तो अस्त्रा मार्क वन की मैक्सिमम रेंज 110 किलोमीटर है। और सिर्फ अस्त्रा ही नहीं, हो सकता है कि भविष्य में भारत वियतनाम के Su-30s की अपग्रेडेशन में भी हेल्प करे अगर तब तक रशिया पर से सैंक्शंस नहीं हटते तो। खैर, आज का मेरा क्वेश्चन है कि इंडियन एयरफोर्स ने किस फाइटर जेट का इस्तेमाल किया था बालाकोट स्ट्राइक के दौरान। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब टू अल्ट्रा फिनोमेना।